दिनों बात अलग थी आज ही मैं कैलाश से आया हूं कैलाश से मैं ऑस्ट्रेलिया गया और वहां से यहां तो आज जब मैं यात्रा करता हूं तो मेरे साथ पूरा तामझाम होता है ठीक है बहुत व्यवस्था होती है हमारे पास हर तरह के जूते हैं गर्म कपड़े हैं हमारे पास दस्ताने हैं और अच्छी गाड़ियां हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते सब व्यवस्थित है तब मैं बस अकेला जाता था लोकल बस से आमतौर पर मैं बस की छत पर बैठता था क्योंकि मैं पहाड़ जरूर देखना चाहता था और ये बसें भी कमाल होती थीं। वो हरिद्वार से सुबह चार साढ़े चार बजे चलती थी और सीधे या तो गौरीकुंड जाती या बद्रीनाथ उन्हें वहां पहुंचना होता था वो कहीं नहीं रुकती थी इन बसों को भूख हड़ताल बसें कहा जाता था क्योंकि वो खाने के लिए कहीं भी नहीं रुकती थी ड्राइवर अपनी लपेटी हुई रोटियां निकालता और चलाते हुए ही खाने लगता तो लोग वहां बैठकर यह सोचते रहते कि खाना कब मिलेगा खाना नहीं मिलता इसीलिए उन्हें भूख हड़ताल बसें कहा जाता है तो मैं बस की छत पर बैठता था क्योंकि मैं पहाड़ों के हर हिस्से को देखना चाहता था और बिजली के तार आते थे कोई बिजली चिल्लाता था और मैं नीचे लेट फिर से उठ जाता था तो मैं वहां कुछ भी लेकर नहीं जाता था मैं इस तरह पहली बार नहीं गया गया था लगभग 26 सालों तक मैं लगातार हर साल बस मेरी जीन्स और टी शर्ट और मेरे पास एक कैनवस जैकेट थी जो मैं दक्षिण भारत में मोटरसाइकिल चलाते हुए पहनता था यह बारिश के लिए बहुत अच्छी होती है पर अचानक मैंने जाना कि जब आप ठंड में जाते हैं तो यह जैकेट वातावरण से भी ज्यादा ठंडी हो जाती है <laughs> तो मैं ऊपर गया और कांति सरोवर पहुंचा तब दोपहर के लगभग साढ़े तीन बज रहे थे मैं वहां बैठ गया और पता नहीं मुझे क्या हुआ मैं बस वहां बैठा था और मेरी आंखें खुली थीं। यह एक असाधारण ग्लेशियर झील है प्राकृतिक रूप से इसकी सुंदरता अद्भुत है मेरी आंखें खुली हुई थीं, मेरा मुंह बंद था पर मैं अपनी ही आवाज को मेरे चारों ओर ऊंचे स्वर में गाते हुए सुन सकता था बहुत ही जोर से मानो किसी बड़े माइक्रोफोन से आ रही हो नाद नाद ब्रह्मा ब्रह्मा विश्वस्वरूप नादहि सकल जीवरूप नादहि सकल जीवरूप नादहि कर्मा नादहि धर्मा नादी कर्मा नादहि धर्म नादहि बन्धन नादहि मुक्ति नादहि बन्धन नादहि मुक्ति नादहि शङ्कर नादहि शक्ति नादहि शङ्कर शक्ति अधम् नाधम् सर्वम् नाधम् अधम् नाधम् सर्वम् नाधम् 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 नाथम् मैं बस देख रहा था मेरी आवाज इस मंत्र को गा रही थी मैं पहली बार इसे सुन रहा था पर यह मेरी आवाज में था और मेरा मुंह साफ तौर पर बंद था तो मैं बैठकर मंत्र को सुनता रहा और इसी का हमने अभी अभी जाप किया इसका अर्थ है ध्वनि नाद का अर्थ है ध्वनि साउंड एक सटीक अनुवाद नहीं है पर अंग्रेजी में नाद के लिए कोई सटीक शब्द नहीं है नाद साउंड से बढ़कर है अंग्रेजी में कोई सटीक अनुवाद नहीं है पर ऐसे अनुभव हुए हैं क्या यहां कोई बाइबल पढ़ने वाले हैं कोई भी नहीं ओ, मुझे लगता है मैंने पढ़ा नहीं है मैंने लोगों से सिर्फ सुना है शायद बाइबल के पहले भाग में कहा गया है पहले एक शब्द था और वो शब्द ईश्वर के पास था और शब्द ही ईश्वर है कुछ इस तरह क्या ऐसा है कोई जानता है कुछ ऐसा है देखिए अभी मैं जो कुछ भी कह रहा हूं मैं सिर्फ ध्वनि पैदा कर रहा हूं और आप इन ध्वनियों को शब्दों के रूप में समझ रहे हैं है ना हां वाकई मैं बस आवाज पैदा कर रहा हूं मान लीजिए मैं कोई ऐसी भाषा बोलूं जिसे आप नहीं समझते तो शब्द ध्वनि होगा और ध्वनि शब्द होगी है ना आपके अनुभव में अभी भी ऐसा ही है पर आपको लगता है कि ये शब्द है ये शब्द नहीं हैं ये बस ध्वनिया हैं तो जब अंग्रेजी भाषा की बात आई तो साउंड शब्द स्पष्ट नहीं था तो किसी ने वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जो ध्वनि है वही मानव मन में शब्द बन जाती है पर अस्तित्व में ध्वनि मात्र ध्वनि ही है, है ना अगर इस हॉल में कोई मौजूद ना हो और अगर मैं बोलूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी भाषा में बोल रहा हूं जहां तक दीवारों की बात है वो बस एक ध्वनि होगी जब आप यहां बैठे होते हैं तब आप ध्वनियों से शब्द बना लेते हैं है ना तो नाद ध्वनि से परे की चीज है अंग्रेजी में कोई सटीक शब्द नहीं है पर कुछ ऐसा जो ध्वनि से ज्यादा है क्योंकि ध्वनि को भौतिक चीज के रूप में नहीं देखा जाता इसे भौतिकता के आखिरी बुर्ज के तौर पर देखा जाता है योग परंपरा में ध्वनि को भौतिकता के अंतिम किले के रूप में देखा जाता है उससे परे कोई भौतिकता नहीं है यानी ध्वनि सब कुछ है और ध्वनि ही जीवन है जीवन के सभी रूप ध्वनिया हैं। ध्वनि का अर्थ है एक स्पंदन आज आधुनिक भौतिकी अस्तित्व में हर चीज को मात्र स्पंदन के रूप में सिद्ध कर रही है और धर्म और कर्म का अर्थ है जो आपको उलझाता है वो कर्म है जो आपको मुक्त करता है वो धर्म दोनों ध्वनिया है बंधन और मुक्ति है ये दोनों ध्वनिया ही हैं जिन्हें शिव और शक्ति कहा जाता है वो भी ध्वनिया ही हैं। सब कुछ ध्वनि है भौतिक सृष्टि की हर चीज ध्वनि ही है क्योंकि हर चीज का एक स्पंदन है जहां स्पंदन होगा वहां ध्वनि होगी आप सुन सकते हैं या नहीं बस यही सवाल है पर ध्वनि मौजूद है जहां कहीं भी स्पंदन है वहां ध्वनि है